हम इस समय खड़े हैं अमृतसर के जोड़ा फाटक में, जहां पे एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया जिसमें कई लोगों की मौत होगी। किस वजह से ये हादसा हुआ, इस बारे में हमारे साथ बात करने के कुछ लोग मौजूद है। भाई साहब, क्या क्या हुआ, किस समय हुआ ये हादसा, कैसे हुआ? लाई एक ट्रेन आई है, उन्होंने बड़े प्यार लोगों सहयोग सहायते किया, उस तो बाद रावण अग लगी है, गड्डी लंघी एक फास्ट आ रही उतो बहुत तेज, रावण अग बुझ गई है। अगे आप देखा तो लैन तो लैन लगे आदमियों दी है, यह की गल है, घर के घर कोई चूड़े वाली है, कोई 8 साल का बच्चा है, कोई साढ़े वर्गे है, जो मेरे नाल सी परे करा रहे आश्रम हॉस्पिटल, डेथ हो गई उन्होंने। कितने कितने लोगों की मौत हुई है, कुल कितने लगभग कितने? घट्टो घट 200 तो ज्यादा प्लस हुई है जी। अभी जो की लाई वो 50 डिक्लेयर कर रही है, कम से कम ये तो 100 से ऊपर है। तो ये जो जो ये दशहरा ये रावण दहन का किसने किया था आयोजन, ये आयोजन किसके द्वारा किया था, कोई काउंसलर था किसके द्वारा? हाँ जी, क्या 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 है काउंसलर, ये यहाँ पे सिद्धू की पत्नी भी यहाँ पे आई थी? हाँ आई सी, छेती आंदी है ना, होंगे 7 बजे का टाइम रावण साड़ हों, नेरे में गड्डिया लाई तो इतने लोग गड्डी कड़ी लैन चाह रही है। अभी कितने लोगों की मौत लगभग हुई है और ये क्या क्या कहना है प्रशासन की तरफ से, कितनी लापरवाही? बिल्कुल, लोगों को कहना है कि इसमें लगभग 150-200 लोगों की मौत हुई है और ये जो हादसा हुआ है ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अमित शर्मा, अमृतसर।